नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करता हूं आप सबका वोगली लाइट क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास में हम आपको रीस्टेंट्स पढ़ाने जा रहे हैं कि रीस्टेंट्स कितने टाइप के होते हैं और ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है, कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिनमें रीस्टेंट्स अप्लाई किए जाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं कुछ प्री टेस्ट में आपको क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ जिनके आंसर आपको अभी फॉरन विद इन सेकेंड्स में कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताना है। और मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्री टेस्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नेम ऑफ द रीस्टेंट्स अप्लाइड टू अ क्लाइंट। एक क्लाइंट को रीस्टेंट्स अप्लाइड किए हुए हैं और आपसे इन रीस्टेंट्स के नेम पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके आप नेम बताइएगा, यदि अगर आपको आता है तो। यदि आप जानते हो तो आप बताइए कि ये वाली जो फर्स्ट, ये दोनों इमेजेस हैं, दोनों इमेजेस ए वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है और ये है फोर्थ क्वेश्चन। नंबर फोर तक आपको बताना है कि इन रीस्टेंट्स को क्या क्या कहा जाता है। अश्विन, इन रीस्टेंट्स को क्या बोला जाता है? आंसर प्लीज, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग रीस्टेंट्स, इन रीस्टेंट्स के क्या नेम्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ाता हूं मैं। नंबर फोर क्वेश्चन देखेंगे, अ नर्स रीस्टेंट अ वायलेंट पेशेंट, रीस्टेंट अ वायलेंट पेशेंट फॉलोइंग द एमरजेंसी पॉलिसी, व्हिच एक्टिविटी मस्ट अकर विद इन 1 आवर आफ्टर द रीस्टेंट्स हैव बीन अप्लाइड टू मीट द नेशनल स्टैंडर्ड्स। फ्रेंड्स, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर करिएगा, अ नर्स रीस्टेंट्स अ वायलेंट पेशेंट, जस्ट पेशेंट इज अ वायलेंट फॉलोइंग अ एजेंसी पॉलिसी, व्हिच एक्टिविटी मस्ट अकर विद इन 1 आवर, व्हिच एक्टिविटी मस्ट अकर विद इन 1 आवर आफ्टर द रीस्टेंट हैव बीन अप्लाइड टू मीट द नेशनल स्टैंडर्ड्स। व्हाट इज योर राइट आंसर? द पेशेंट विल रिसीव अ डिटेल्ड एप्लीकेशन, द पेशेंट्स नेक्स्ट ऑफ kin will be notified, healthcare provider will assess the patient, the nurse will document the situation. Austin, chaliye. Pre-test question number 5. A patient with a head injury and unpredictable behavior has soft restraint applied to each extremity after having pulled out an intravenous line repetitiously. Which method by the nurse is most appropriate when removing the restraints for assessment and skin care? Remove one hand and one leg restraint at the same time, remove the upper extremity restraint at the same time, and then the lower one. Remove one restraint at a time with another staff member present. Remove all of the restraint at the same time with another staff members present. Question number 10. A nurse use a patient-centered approach for any safety intervention to minimize a patient's vulnerability and diligently protect the patient from injury. Which of the following approach are patient-centered when applying a restraint? Select all that apply. Determine the meaning of restraint to the patient family using a standard assessment guide that is evidence-based before restarting the patient. Calibrating with the family member. करिए जल्दी से आंसर, फिर इन तीनों क्वेश्चंस को मैं आपको लेक्चर के लास्ट में सोल्व करवाऊंगा। आप आंसर करिए अभी, रीस्टेंट से रिलेटेड आप कितना जानते हैं, आपको क्या क्या आता है। और इन क्वेश्चंस के जरिए हमें सीखना है कि एग्जाम में यदि रीस्टेंट्स वाले टॉपिक में से क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अंडरस्टैंड? तो चलिए तैयार रहिएगा, इन सब के सॉल्यूशन में आपको लेक्चर के अंत में जरूर बताऊंगा। तो देखिएगा, अब लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन देखिए दोस्तों, रीस्टेंट का डेफिनेशन सबसे पहले कि क्या होता है। अ फिजिकल रीस्टेंट इज एनी मैनुअल मेथड। पहली बात याद रखिए, दैट इज अ मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड फिजिकल और मैकेनिकल डिवाइस, ये कोई फिजिकल डिवाइस भी हो सकती है और ये कोई मैकेनिकल डिवाइस भी हो सकती है।
मटेरियल भी हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है दैट इमोबिलाइज और रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ अ पेशेंट टू मूव हिज हर एक्सट्रीमिटी बॉडी और हेड। ऐसा कोई भी डिवाइस, ऐसा कोई भी फिजिकल या मैकेनिकल डिवाइस या मटेरियल जो पेशेंट के फिजिकल मूवमेंट्स को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, उस हर इक्विपमेंट या मटेरियल को या डिवाइस को रीस्टैंड कहा जाता है। अंडरस्टैंड गाइस, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ रीस्टैंडिंग? द इक्विपमेंट दैट इमोबिलाइज और रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ अ पेशेंट टू मूव हिज हर एक्सट्रीमिटी। तो साथियों, पहली बात याद रखिएगा कि हर उस इक्विपमेंट को, चाहे डिवाइस को या कोई भी ऐसा मटेरियल जो पेशेंट की बॉडी के मूवमेंट्स को रिड्यूस करता हो, उस हर चीज को, उस हर मटेरियल को जो मूवमेंट को रिड्यूस करता हो, रिस्टेंट कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अरे भाई बोलो, बात समझ गए ना? अ ड्रग मे बी कंसिडर अ केमिकल रिस्टेंट। यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या ड्रग भी, कोई ऐसा ड्रग भी रिस्टेंट हो सकता है, तो श्योर हो सकता है। और इसे फिजिकल रिस्टेंट नहीं, इसे आपको कहना पड़ेगा केमिकल रिस्टेंट। When it is given to manage the behavior or restrict the freedom of movement, is not a part of the standard treatment of a patient condition. Yaad rakhna that drug administration for controlling the patient behavior is not a part of the standard policy. Understand guys, so drug is not a part of the standard treatment for patient condition. Understand guys, but is a restraint. Which type of restraint, sir, is a chemical restraint. Restraints are most commonly used in the hospital to prevent the disruption of therapy, such as the pulling out intravenous tubes or removing the urinary catheters. So, दोस्तों, hospital में restraints use करने का सबसे most common जो purpose होता है, वो होता है disruption of therapy by patient. जैसे कि आईवी इंट्रावेनस कैथेटर्स को, इंट्रावेनस ट्यूब्स को रिमूव करना या फिर यूरिनरी कैथेटर्स को रिमूव करना, इस तरह के पेशेंट्स को रिस्टैंड करने की आवश्यकता होती है। अरे भाई बोलो, सुन रहे हो? बात समझ में आ रहा है? रिस्टेंट्स बी यूज्ड ओनली अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। रिस्टेंट कौन से सर्कमस्टांसेस में फॉलो किए जाते हैं? To ensure the immediate physical safety of the patient, a staff member or other. तभी apply किया जाएगा जबकि यह restraint apply करना patient की safety, patient की physical safety से related हो, चाहे patient का या staff का या किसी दूसरे व्यक्ति के physical safety से related हो, then application of restraint can be advised. Understand? So some of the circumstances you need to know to apply the restraint to the patient. Arey bhai bolo, baat samajh gaye na? I hope you understand. Yes or no? Then when the less restrictive intervention have been ineffective, दूसरे interventions यदि effective ना हो, तब restraints apply किया जा सकता है. In accordance with a written modification to the patient plan of care. When it is the least restrictive intervention that will be effective to protect the patient, staff member and other from harm. In accordance with safe and appropriate restraint technique as determined by the hospital policy, it is discontinued at the earliest possible time. Aap point number 4 ko, point number 5 aur point number 6 ये मैं क्रॉस कर रहा हूं, इन्हें आप नोट्स में मत लिखना, ठीक है? केवल मैं कुछ डिटेल आज लेक्चर में आपको एक्सप्लेनेशन पर्पस से दूंगा, लेकिन जो मैं मना कर दूं उसको आप रिटन में मत लिखना। द यूज ऑफ रिस्टेंट्स इज एसोसिएटेड विद द सीरियस कॉम्प्लिकेशन। रिस्टेंट्स की वजह से कौन कौन से सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं दोस्तों? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन देगा आपको ये। रिस्टेंट्स की वजह से प्रेशर अल्सर हो जाते हैं, देन हाइपोस्टैटिक निमोनिया हो सकता है दोस्तों, देन कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को हो जाता है, और इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, और फाइनली हम कहें तो रिस्टेंट्स के कारण पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो दीज आर द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू यूजिंग द रिस्टेंट्स।
व्हाट इक्विपमेंट यू नीड्स व्हेन जस्ट गोइंग टू अप्लाई द रिस्टैंड. तो फर्स्ट प्रॉपर रिस्टैंड चाहिए हमें, चाहे वो बेल्ट हो, रिस्ट हो या मेटन टाइप का रिस्टैंड हो, पैडिंग. दूसरा, रिस्टैंड जहां भी अप्लाई करेंगे, जरूरत पड़े तो वहां उस पर पैडिंग भी किया जाता है, इसलिए पैडिंग चाहिए. तो रिस्टैंड अप्लाई करने के लिए हमें प्रॉपर रिस्टैंड और पैडिंग की आवश्यकता होती है. आइए जानते हैं प्रोसीजर. गैदर द इक्विपमेंट एंड परफॉर्म द हैंड हाइजीन. प्रमोट्स द ऑर्गेनिज्म एंड रिड्यूस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यूम काम अप्रोच. आपको अप्रोच यानी एनवायरमेंट बिल्कुल काम होना चाहिए. एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द पेशेंट इंक्लूडिंग बोथ नेम एंड टाइटल और द रोल. अश्विन, देन आइडेंटिफाई द पेशेंट यूजिंग टू आइडेंटिफिकेशन. जैसा कि हम आपको स्टार्टिंग से सिखाते आ रहे हैं, फर्स्ट इज द नेम और बर्थडे और या फिर नेम ऑफ द अकाउंट नंबर अकॉर्डिंग टू द एजेंसी पॉलिसी. कंपेयर द आइडेंटिफिकेशन विद इंफॉर्मेशन ऑन द पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट. दो आइडेंटिफिकेशन कंफर्म करके देन उसको आपको पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट से इलेक्ट्रिकली कंफर्म करना है कि यही पेशेंट है जिसको रिस्टेंट अप्लाई किया जाना है. बोलो भाई, आई होप यू अंडरस्टैंड ना. क्लास को लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है. एंश्योर द करेक्ट पेशेंट और इम्प्रूव द पेशेंट सेफ्टी. प्रोवाइड द प्राइवेसी. एक्सप्लेन टू पेशेंट एंड फैमिली पर्पस टू ऑफ रिस्टेंट. बी श्योर दैट पेशेंट इज कंफर्टेबल एंड इन द करेक्ट एनाटॉमिक पोजिशन. मे प्रोमोट द कॉपरेशन. पोजिशनिंग प्रिवेंट द कॉन्ट्रेक्चर और द न्यूरोवेस्कुलर इम्पेयरमेंट. याद रखिए दोस्तों, जब रिस्टेंट अप्लाई करते हैं तो न्यूरोवेस्कुलर इंपेयरमेंट होने की संभावना काफी अधिक होती है और इसी कारण से हमें प्रॉपर एनाटॉमिकल पोजीशन मेंटेन करना होता है. तो याद रखिए, जिस भी पोजीशन में रिस्टेंट अप्लाई किया जाए वो पोजीशन पूर्णतया पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, उससे पेशेंट को कोई बोनी प्रोमिनेंस या न्यूरोवेस्कुलर इंपेयरमेंट नहीं हो. अंडरस्टैंड गाइस. देन एडजस्ट बेड टू द proper height and lower side rail on the side of the patient contact. जिधर से आप patient से resistant apply करेंगे उधर से आपको side railing low कर देना है. बाकी side rail patient पर bed पर लगा होना चाहिए. Then pad the skin or bony prominence as necessary that will cover by the resistant. जरूरत हो तो आपको जहां resistant apply करेंगे वहां पर padding लगाना होता है. Then apply the proper size restraint. अब अलग अलग प्रकार के restraint अगर हम आपको बताएं तो एक प्रकार से आपको बताएंगे अब restraints के types. Okay दोस्तों, पहला होता है belt restraint. Have the patient in sitting position. Belt restraint में patient किस position में होगा? Sitting position में होगा. Apply belt over the cloth, gown और pajama. Make sure to the place restraint at the waist. Place the restraint at the waist. कहां पर लगता है बेल्ट? बेल्ट कहां बांधते हैं? तो बेल्ट जहां बांधते हैं वहीं पर बेल्ट रिस्टेंट अप्लाई किया जाता है. क्लियर? नॉट द चेस्ट और एब्डोमेन. बेल्ट रिस्टेंट कभी भी चेस्ट और एब्डोमेन पर नहीं अप्लाई किया जाता है. रिमूव द रिंकल और क्रीसेस इन क्लॉथिंग. बिंग द टाई थ्रू स्लोट इन द बेल्ट. हेल्प द पेशेंट लाई डाउन इफ इन द बेड. अवॉइड अप्लाइंग बेल्ट टू टाइटली सीलम स्टेशन. साथियों याद रखिएगा, रिस्टेंट अप्लाई करने के बाद इसको आपको बेल्ट के माध्यम से, टाई के माध्यम से इसको फिक्स कर देना होगा. जानते हैं कौन सी कंडीशंस में ऐसे रिस्टेंट अप्लाई किए जाते हैं. रिस्टेंट्स सेंटर ऑफ द ग्रेविटी और प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम रोलिंग ऑफ द स्ट्रेचर सिटिंग वाइल ऑन द स्ट्रेचर और द फॉलिंग आउट ऑफ द बेड. Tight application of the misplacement can interfere with the ventilation. This type of restraints may be contraindicated in the patient who had the abdominal surgery. जिनको abdominal surgery होती है उन patients को इस प्रकार के restraints नहीं apply किए जाते हैं. Ashwin guys, आप देख रहे होंगे तो first type का जो restraint है ये आपको ये restraint दिख रहा है दोस्तों, belt restraint. तो अप्लाई द बेल्ट रिस्टेंट विद पेशेंट इन द सिटिंग पोजीशन. और सेकंड जो बी वाला इमेज है, प्रॉपरली अप्लाइड बेल्ट रिस्टेंट अलाउ द पेशेंट टू टर्न इन द बेड. ये इस तरीके से टाई के माध्यम से, बेल्ट के माध्यम से रिस्टेंट अप्लाई किया हुआ है कि पेशेंट अपने बेड के अंदर स्लाइटली मूवमेंट कर सकता है. तो पहला इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा.
कि जब आपसे ये पूछा जाए कि दिया हुआ रिस्टेंट किस टाइप का रिस्टेंट कहलाता है, तो साथियों यदि अगर वेस्ट पर रिस्टेंट अप्लाई किया हुआ है तो वो बेल्ट रिस्टेंट है, चाहे सिटिंग पोजीशन में हो और या फिर सुपाइन पोजीशन में हो, लाइंग पोजीशन में हो। अंडरस्टैंड गाइस? देन सेकंड टाइप के रिस्टेंट देखिए, एक्सट्रीमिटी, एंकल या रिस्ट रिस्टेंट मेड ऑफ द शिप स्किन विद द फॉर्म पैडिंग, मेड ऑफ ऑफ सिप स्किन से बना होता है ये रिस्टेंट, जो एक्सट्रीमिटी रिस्टेंट होता है। रैप लिम्ब रिस्टेंट अराउंड द रिस्ट और एंकल विद द सॉफ्ट पार्ट टूवर्ड द स्किन एंड सिक्योर स्नगली, नॉट टाइटली इन प्लेस बाय द वेलक्रो स्ट्रैप, इंसर्ट टू फिंगर अंडर द सिक्योर रिस्टेंट। आप इसकी फिटिंग को चेक करने के लिए इसमें दो फिंगर्स डाल करके ऐसे चेक कर लेना। रिस्टेंट इमोबिलाइज और ऑल एक्सट्रीमिटी टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम फॉल और एक्सीडेंटल रिमूवल ऑफ द थेरेप्यूटिक डिवाइस, एक्सीडेंटली रिमूवल ऑफ द थेरेप्यूटिक डिवाइसेस जैसे आईवी ट्यूब, फॉलीज कैथेटर, टाइट एप्लीकेशन इंटरफेयर विद द सर्कुलेशन और कॉजेज द न्यूरोवेस्कुलर इंजरी। तो दोस्तों ऐसे पेशेंट्स को इस तरह के रिस्टेंट अप्लाई किए जाते हैं। और ये जो रिस्टेंट आप देख रहे हैं, सेकंड इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सिक्योरिंग एन एक्सट्रीमिटी रिस्टेंट, चेक द रिस्टेंट फॉर द कॉन्स्ट्रिक्शन बाय इंसर्टिंग टू फिंगर अंडर द रिस्टेंट। अंडरस्टैंड? तो इस इमेज बेस को आइडेंटिफाई करना हमें आना है। आज के लेक्चर में जो मोस्टली आपसे क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे वो इमेज बेस होंगे, और 3 से 4 क्वेश्चन हम आपसे लैंग्वेज वाले पूछेंगे जो आपको बताए थे हमने स्टार्टिंग में। अस्टिल तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करता हूं। ये जो आप देख रहे हैं हाफ हिच इंस्ट्रक्शन, क्लो हिच नॉट इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्लो हिच नॉट। रैप द रॉप अराउंड द सपोर्ट। यदि अगर आपसे कभी इस तरह का नॉट एग्जाम के अंदर दिया जाए, ये नॉट वो नॉट होता है जो रिस्टेंट्स को सिक्योर करने के लिए अप्लाई किया जाता है। तो रिस्टेंट्स को सिक्योर करने के लिए नॉट अप्लाई किया जाता है और इस नॉट को क्लो हिच नॉट कहते हैं, क्लो हिच नॉट। तो इसका नेम याद रखना, ये ही इंपॉर्टेंट है, कभी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। अंडरस्टैंड? देन मेटन रिस्टेंट, देन थंबलेस मेटन डिवाइस रिस्टेंट पेशेंट्स हैंड और प्लेस द हैंड इन द मेटन, being sure that velcro strap are around the wrist and not forearm। दोस्तों जो मेटन रिस्टेंट होता है वो एक तो सबसे पहली बात है कि थंबलेस होता है, अस्टेंड उसमें फिंगर्स नहीं होती है, और दूसरा उसकी जो वेलक्रो स्ट्रैप होगी, वेलक्रो स्ट्रैप को रिस्ट पर आपको फिक्स करना है, फोरआर्म पर नहीं। अंडरस्टैंड? तो देखिएगा इस तरह के रिस्टेंट्स कौन से क्लाइंट्स को लगाते हैं, प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम डिसलॉजिंग द इन्वेसिव इक्विपमेंट, रिमूविंग द ड्रेसिंग और स्क्रैचिंग। स्क्रैचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि जो क्लाइंट्स बॉडी को स्क्रैच कर सकते हैं उन्हें मेटन टाइप के रिस्टेंट्स अप्लाई करते हैं, येट अलाउ द ग्रेटर मूवमेंट देन द रिस्ट रिस्टेंट। ये जो रिस्टेंट आप देख रहे होंगे ये कहलाता है मेटन रिस्टेंट। अंडरस्टैंड गाइस? ये इसका वेलक्रो है और ये इस तरह का रिस्टेंट होता है जिससे कि एक्सट्री पूरा जो पेशेंट का हैंड है उसको रिस्टेंट किया जाता है। एल्बो रिस्टेंट देखिए नेक्स्ट, इसे आप फ्रीडम स्प्लिंट भी कहते हैं। एल्बो रिस्टेंट का दूसरा नाम क्या है याद रखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से पुट अप करेंगे, फ्रीडम स्प्लिंट कहते हैं। रिस्टेंट कंसिस्ट ऑफ द रिजिडली पैडेड फैब्रिक दैट रैप अराउंड द आर्म एंड इज क्लोज्ड विद द वेलक्रो। अपर एंड हैज अ क्लैंप दैट हुक टू पेशेंट्स गाउन स्लीव, इंसर्ट द पेशेंट आर्म सो एल्बो जॉइंट रिस्टेड अगेंस्ट पैडेड एरिया कीपिंग जॉइंट रिजिड, कॉमनली यूज्ड विद द इन्फेंट एंड चिल्ड्रन टू प्रिवेंट द एल्बो फ्लेक्शन। इसका जो पहला क्वेश्चन होगा वो यहाँ से होगा और इसका सेकेंड जो क्वेश्चन होगा दोस्तों वो यहाँ से होगा। Commonly used with infant or children to prevent the elbow flexion when IV line placed in the anticubital fossa। जब anticubital fossa में IV line placed किया हुआ बच्चों को, तो उसको कौन सा रिस्टेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए एल्बो रिस्टेंट आपको करना होगा, फ्रीडम रिस्टेंट कहते हैं। मे बी ऑल्सो यूज फॉर द अडल्ट।
दिखाते हैं कैसा होता है फ्रीडम एल्बो रिस्टेंट। ये जो रिस्टेंट आपको दिख रहा है ये रिस्टेंट कहलाता है दोस्तों, एल्बो रिस्टेंट, दिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्वेडल रिस्टेंट, ब्लैंकेट और शीट ओपन ऑन बेड और क्रीव विद वन कॉर्नर बेबी इज प्लेस इन द ब्लैंकेट और इट इफेक्टिवली कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ बेबीज टोर्सो और एक्सट्रीमिटी। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, याद रखिएगा। इस तरह का जो रिस्टेंट होता है स्वेडल रेप कहलाता है, स्वेडल रिस्टेंट कहलाता है। जैकेट रिस्टेंट, वेस्ट लाइक गारमेंट दैट यूजुअली क्रॉसेस इन द फ्रंट ऑफ पेशेंट। ये जो पेशेंट का फ्रंट है, फ्रंट पर यदि इस तरह के गारमेंट्स अगर आपको दिखता है तो एक तो फ्रंट में इस तरह का आपको बेल्ट रिस्टेंट दिखेगा, लेकिन बेल्ट जो लगा होता है वो केवल वेस्ट पर होता है, और अगर पूरे गारमेंट्स यहां से लेकर यहां तक पहने हुए हैं तो फिर उसको जैकेट रिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जैकेट रिस्टेंट। ठीक है दोस्तों, देन तो ये डिफरेंट टाइप के रिस्टेंट थे। जिस भी टाइप का रिस्टेंट हम अप्लाई करना चाहते हैं वो हमने कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तो सिक्योर द रिस्टेंट विद द क्विक रिलीज टाई। हमेशा ध्यान रखना, रिस्टेंट को जो सिक्योर किया जाता है वो क्विक रिलीज टाई के द्वारा किया जाता है, ताकि अगर कभी इमरजेंसी में रिस्टेंट खोलना पड़ जाए तो एक ही बार खींचो और वो खुल जाए। तो देखना, मैं बताऊंगा आपको। बकल और एडजस्टेबल सीट बेल्ट लाइक द नॉकिंग डिवाइस डू नॉट टाई इन द नॉट। इसको डू नॉट टाई इन अ नॉट, नॉट से इसको फिक्स नहीं किया जाता है, राइट। तो ध्यान रखना, आपको एक इस तरीके से हम सिक्योर करेंगे कि ऐसी टाई से फिक्स करेंगे कि जिससे बिल्कुल रिस्टेंट रिलीज हो जाएगा। तो अलाउ द फोर क्विक रिलीज इन इमरजेंसी, डबल चेक और इंसर्ट द टू फिंगर अंडर द सिक्योर रिस्टेंट। हाउ टू चेक द सिक्योर ऑफ द रिस्टेंट, कंफर्टनेस ऑफ द रिस्टेंट, तो जस्ट वी विल इंसर्ट टू फिंगर्स इन द रिस्टेंट। चेकिंग फॉर कंस्ट्रिक्शन प्रिवेंट्स द न्यूरोवैस्कुलर इंजरी। देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं पॉसी क्विक रिलीज टाई, पॉसी क्विक रिलीज टाई। तो जब रिस्टेंट को फिक्स किया जाता है तो इस तरह का टाई से फिक्स किया जाता है, बिकॉज इन एनी इमरजेंसी व्हेन वी पुल इट, इट विल ओपन वेरी क्विकली, अंडरस्टैंड। तो जस्ट इट इज नोन एज द पॉसी क्विक रिलीज टाई। आइडेंटिफाई करना है आपको, ये भी एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन होता है रिस्टेंट एप्लीकेशन के लिए, किस प्रकार से इसको अप्लाई किया जाता है। ओके, देन असिस द प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ रिस्टेंट इंक्लूडिंग स्किन इंटीग्रिटी, पल्स, टेम्परेचर, कलर और सेंसेशन ऑफ रिस्टेंट बॉडी पार्ट्स। रिमूव द रिस्टेंट एटलीस्ट एवरी 2 hours। अब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, हर 2 घंटे में हमें क्या करना होता है, रिस्टेंट्स को रिलीज करना होता है, और अकॉर्डिंग टू द एजेंसी पॉलिसी एंड असिस द पेशेंट ईच टाइम। इफ द पेशेंट इज वायलेंट और नॉन कॉम्प्लियंट, रिमूव वन रिस्टेंट एट अ टाइम एंड हैव स्टाफ असिस्ट व्हाइल रिमूविंग द रिस्टेंट। यहां से 3 questions पुटअप होते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन होता है कि रिस्टेंट कितने समय में रिलीज करना चाहिए, तो रिस्टेंट एटलीस्ट हर 2 घंटे में रिलीज किया जाना चाहिए और फिर असेस किया जाना चाहिए पेशेंट को हर बार। अगर पेशेंट वायलेंट है, इफ पेशेंट इज वायलेंट और नॉन कॉम्प्लियंट, तो रिमूव द वन रिस्टेंट एट अ टाइम, एक बार में एक ही रिस्टेंट रिमूव करें। अगर दोनों हैंड्स पर लगे हुए हैं, पेशेंट वायलेंट है, तो एक बार में एक रिस्टेंट रिमूव करें, फिर दूसरी बार में दूसरा रिस्टेंट रिमूव करें, अंडरस्टैंड। और जब भी ऐसे पेशेंट को रिस्टेंट रिमूव किया जा रहा है तो उस समय आपके पास हैव स्टाफ असिस्ट while removing the restraint, और भी स्टाफ आपके पास होना चाहिए आपको असिस्ट करने के लिए। क्लियर है गाइस? तो इस तरीके से ध्यान रखना है, हर 2 घंटे में करें, रिमूव करना है और असेस करना है पेशेंट को इंपेयरमेंट के लिए, न्यूरोवैस्कुलर इंपेयरमेंट के लिए। और जब भी कभी वायलेंट पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं तो एक बार में एक रिस्टेंट रिमूव किया जाता है और पेशेंट को असिस्टेंट स्टाफ भी आपके पास होना चाहिए। Provide baseline to the remove the provide opportunity to change the patient position after offer the nutrients, perform the full range of motion, toilet or exercise.
पेशेंट, तो इन कंडीशंस की वजह से हमें रिमूव करना पड़ता है रिस्टेंट हर 2 घंटे में। सिक्योर द कॉल लाइट और इंटरकॉम सिस्टम विद ईच विद इन द रिच। दोस्तों अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन जनरेट हो जाती है तो उसके लिए कॉल लाइट होता है या इंटरकॉम सिस्टम होता है हॉस्पिटल के अंदर, जिससे कि पेशेंट तुरंत हेल्प ले सकता है। तो जस्ट अलाउ द पेशेंट फैमिली और केयर गिवर टू ऑब्टेन द असिस्टेंट क्विकली। लीव बेड और चेयर विद द व्हील लॉक्ड, कीप बेड इन द लोवेस्ट पोजिशन। रिस्टेंट अप्लाई करने के बाद बेड को लोवेस्ट पोजिशन में ही रखा जाना चाहिए। अस्ट्रेन देन व्हाट आर द इवैल्यूएशन फॉलोइंग द एप्लीकेशन। अब हम जानेंगे दोस्तों कि जब रिस्टेंट अप्लाई हो रहे हो किसी क्लाइंट को तो व्हाट आर द इवैल्यूएशन फॉर द पेशेंट। तो फॉलोइंग द एप्लीकेशन इवैल्यूएट द पेशेंट कंडीशन फॉर द साइन ऑफ इंजरी एवरी 15 मिनट। हर 15 मिनट में आपको असेस करना रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से पुट अप होगा दोस्तों, इवैल्यूएट पेशेंट कंडीशन फॉर साइन ऑफ इंजरी एवरी 15 मिनट। जस्ट पेशेंट नीड टू इवैल्यूएट फॉर साइन ऑफ इंजरी इन एवरी 15 मिनट, जैसे कि सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, रेंज ऑफ मोशन इन एक्सट्रीमिटी, वाइटल साइन, हाइजीन, एलिमिनेशन, फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्टेटस और रेडीनेस फॉर द डिसकंटिन्यूएशन। ये सब आपको असेस करना है टू प्रिवेंट द इंजरी। Evaluate the patient for any complication of immobility, जैसे limitation in the mobility can result in the complication, जैसे pressure ulcer, ventilation impairment. Observe IV catheter, urinary catheter and drainage tube routinely. Ensure that recent application continue to be medically appropriate. Order may be renewed within the these limits. दोस्तों यदि अगर आपको लगता है कि recent अभी और आगे continue करना है तो उसके लिए मेडिकल ऑर्डर जो होता है वो कितने समय के लिए वैलिड होता है और कैसे कितने टाइम के लिए ऑब्टेन किया जा सकता है ये हमें जानना होगा। तो देखिएगा साथियों, ऑर्डर में भी रिन्यूड विद इन दीज लिमिट्स 4 आवर फॉर अडल्ट 18 और ओवर। यदि अडल्ट 18 साल से ज्यादा एज वाला है तो उसके लिए 4 घंटे के लिए और ज्यादा एक साथ रिस्टैंडिंग का ऑर्डर ऑब्टेन किया जा सकता है। 2 आवर फॉर द चिल्ड्रन एज 9 to 17, यदि अगर 9 से 17 ईयर एज का चिल्ड्रन है तो उसके लिए 2 घंटे के लिए रिस्टैंडिंग का ऑर्डर ऑब्टेन किया जा सकता है। 1 आवर फॉर चिल्ड्रन अंडर 9 ईयर, 9 साल से कम एज के लिए 1 आवर के लिए रिस्टेंट कंटिन्यू करने का ऑर्डर लिया जा सकता है। ये सब मेडिकली अप्रोप्रिएट टाइम से, तो अडल्ट के लिए 4 आवर, 9 to 17 के लिए 2 आवर और चिल्ड्रंस लेस देन 9 ईयर ऑफ एज फॉर 1 आवर। ओरिजिनल ऑर्डर्स में बी रिन्यूड अप टू अ मैक्सिमम 24 आवर। मैक्सिमम रिस्टैंडिंग का टाइम कितना हो सकता है, तो याद रखना मैक्सिमम रिस्टैंडिंग का टाइम हो सकता है 24 घंटे। अंडरस्टैंड गाइस, असेस एडिक्वेसी ऑफ रिस्टेंट्स एवरी 2 आवर, हर 2 घंटे में रिस्टेंट्स का एडिक्वेसी चेक करना होता है। इंस्पेक्ट द स्किन फॉर कलर, कैपिलरी रिफिल टाइम, पल्पिट पल्स, डिस्टल टू रिस्टेंट एवरी 30 मिनट, हर 30 मिनट में आपको ये सब चेक करना है। हर 2 घंटे में आपको रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाना है, तो हर 2 घंटे में रिस्टैंडिंग वाले पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज किया जाता है। ज्यादातर आज थ्योरेटिकल पोर्शन है और इमेज बेस है, तो ज्यादा मैं टाइम आपका नहीं लूंगा, यानी कि आपको कम समय में ही आज मैं लेक्चर पूरा फिनिश कर दूंगा, बिकॉज आज ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है क्लास के अंदर कि क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, रिस्टेंट वाला टॉपिक है और रिस्टेंट में ज्यादातर आपको केवल ये समझना है कि इसका कैसा इमेज होता है, कब इसको अप्लाई करते हैं और इसके जो टाइमिंग्स रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको आने चाहिए। अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स कुछ बताते हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जब आप क्लिनिकल में प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा। पेशेंट हैज अल्टर्ड न्यूरोवैस्कुलर स्टेटस ऑफ एक्सट्रीमिटी, जैसे साइनोसिस हो जाए, पैलो और कूलनेस और कंप्लेंट ऑफ द टिंगलिंग पेन और नमनेस। अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला अनएक्सपेक्टेड आउटकम याद रखिएगा कि यदि अगर पेशेंट को क्या हो जाए, न्यूरोवैस्कुलर स्टेटस उसका अल्टर्ड हो जाता है, जैसे कि साइनोसिस हो जाए, पैलोर हो जाए या फिर एक्सट्रीमिटी में कूलनेस हो जाए स्किन पर, अब हम कहते हैं या फिर पेशेंट कंप्लेन कर रहा हो टिंगलिंग पेन और नमनेस के लिए, तो यदि अगर रिस्टेंट के कारण ऐसा कुछ हो जाता है तो हमें क्या करना होगा, हमारा इंटरवेंशन क्या होगा। तो साथियों, यू नीड टू रिमूव द रिस्टेंट इमीडिएटली और नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अंडरस्टैंड, ये हमारा होगा इंटरवेंशन, याद रखना।
सेकंड देखता हूं अनएक्सपेक्टेड आउटकम, पेशेंट रिलीज द रिस्टेंट और सफर अ फॉल और अदर ट्रॉमेटिक इंजरी। जब पेशेंट ने खुद रिस्टेंट रिलीज कर लिया हो और बेड से गिर गया हो तो हमें ऐसी स्थिति में क्या करना है, यह भी एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम है। तो जब हमने रिस्टेंट अप्लाई कर रखा है और हमने थोड़ी देर बाद देखा कि पेशेंट ने खुद रिलीज कर लिया और पेशेंट बेड से गिर गया है, तो ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाती है तो हमें क्या करना है। ये सिचुएशन सिखाना ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन जब देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है ऐसी सिचुएशन में। तो देखिएगा, अटेंड टू पेशेंट इमीडिएटली फिजिकल नीड, सबसे पहले पेशेंट की फिजिकल नीड्स को अटेंड करें, इन्फॉर्म द SCP ऑफ द फॉल और इंजरी और जस्ट रीअसेस द टाइप ऑफ रिस्टेंट और इट्स करेक्ट एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, फिजिकल नीड असेस करना है, कहीं इंजरी वगैरह कुछ हुआ है तो SCP को इन्फॉर्म करें और जस्ट रीअसेस द टाइप ऑफ रिस्टेंट और इट्स करेक्ट एप्लीकेशन। देन अब आपसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था, नर्स रिस्टेंट अ वायलेंट पेशेंट फॉलोइंग एजेंसी पॉलिसी, विच एक्टिविटी मस्ट अकर विद इन 1 आवर आफ्टर द रिस्टेंट हैव बीन अप्लाइड टू मीट द नेशनल स्टैंडर्ड। आपसे कहा एक पेशेंट को रिस्टेंट्स अप्लाई किए गए हैं, अब आपसे कह रहे हैं एजेंसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग 1 घंटे के अंदर अंदर क्या किया जाना चाहिए रिस्टेंट अप्लाई करने के बाद। तो रिस्टेंट अप्लाई करने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर द हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल असेस द पेशेंट नीड्स, असेस द पेशेंट नीड्स। तो दोस्तों वायलेंट पेशेंट है और वायलेंट पेशेंट को आपने रिस्टेंट अप्लाई कर दिया है, तो आपसे कहा जा रहा है कि रिस्टेंट अप्लाई तो कर दिया लेकिन 1 आवर के अंदर अंदर आपको अब क्या कर लेना चाहिए। तो within 1 hour a health care provider will assess the patient. Abstain to third option is right answer in this question. A patient with a head injury or unpredictable behavior had soft restraint applied to the each extremity. After having the pulled out an intravenous IV line refuseously, which method by the nurse is most appropriate when removing the restraint for assessment and skin care? दोस्तों हमने कहा रिमूव वन रिस्टेंट एट द टाइम और अनादर स्टाफ मेंबर प्रेजेंट। अनस्टेन तो ऐसे टाइम पर एक स्टाफ और होना चाहिए और एक रिस्टेंट को एक ही टाइम पर रिमूव किया जाना चाहिए। सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन आल्सो। क्वेश्चन नंबर 10 था, नर्स यूजेस अ पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच फॉर एनी सेफ्टी इंटरवेंशन टू मिनिमाइज अ पेशेंट वल्नरेबिलिटी और diligently protect the patient from injury. Which of the following approaches are patient-centered when applying a restraint? Determining the meaning of restraint to the patient and family is the right answer. Using a standard assessment guide that is evidence-based before restraining the patient. Collaborating with the family member in accommodating a patient cultural perspective about the restraining. Is the right answer. Identifying a patient preference for using a extremity restraint or mitten restraint is also the right answer. Clear hai dosto? So thank you so much. Ye the aapke most important topic restraint se related questions. Aur ab main aapko ye sare question test ke andar wapis se repeat karunga. To test mein jo wapis sabhi question aayenge, un questions ko bade dhyan se kariye. Thank you so much. Love you. Bye bye. मेजर टेस्ट आपने दे दिया होगा, मेजर टेस्ट दिया है, आपकी स्कोर कार्ड भी अभी थोड़ी देर बाद ही आ जाएगा। थैंक यू सो मच।